हुआ सेल्फी। ये राम की वो प्रतिमा है, जब वो वनवास में थे ना, तब उन अकेले थे, तब उनकी दाढ़ी उग चुकी थी। इसी वजह से इसे त्रिकुट पहाड़ कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण स्ट्रक्चर में है। जयपुर का हवा महल है, उदयपुर का सिटी पैलेस है। खूबसूरत छत है ये, और ये है सबसे छोटा झरोखा। तो सुनहरा फोर्ट और सुनहरा आदमी, ऐसे ही है यहाँ के लोग। मैं आपको पेश कर रही हूँ जोधपुर का घोड़ा, उदयपुर का हाथी और जैसलमेर का ऊंट, जो कभी ना बोले झूठ। कहते हैं यहाँ के गढ़ीसर राजा जो थे ना, उन्होंने बनाया था ये लेक, और ये लेक लोगों के लिए आज पर्यटक स्थल है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा सा लेक है। ज़रा सोचिए वो जगह जहाँ पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी, और आज की तारीख में लेक है। यहाँ का जो मेन गेट है ना, वो पड़ा था, उसका नाम था टीला। तो टीला के नाम से ये टीलों की प्रोल है, और वैसे टीला है टीलो। यहाँ पे बहुत अच्छे गेट हैं और बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। और गढ़ीसर लेक में बेसिकली सनराइज इज़ द अमेजिंग स्टफ टू डू। मतलब अगर आप सुबह आते हैं ना 6 बजे के आसपास, सनराइज़ हो रहा हो, तब तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, इवन सनसेट्स आर अमेजिंग आउट हियर। और यहाँ पर आप मछलियों को दाना भी दे सकते हैं। तो चलते हैं, मछलियों को दाना देते हैं, और हो सकेगा तो बोटिंग भी करेंगे। महादेव हमारे हर जगह पर होते हैं, तो हर हर महादेव। यहाँ पे जो म्यूज़िक बजा रहे हैं ना, उनको पता चल गया है मेरा नाम, तो मेरे नाम से जो है राजस्थानी गाना गा रहे हैं। हाल भरूंगा जब मोती है बेसाली, ऊपर मैंने हरी बेसाली ओ काजल वाली, हरी बेसाली ओ काजल वाली, बेसाली है वो दिल्ली धार, वो जोड़ी रो जवाब नहीं। देखिए ये ब्लॉक प्रिंट के आपको डाइज मिलेंगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं खुद अपने कपड़ों पर। ये सब्सक्राइबर हमें गढ़ीसर लेक पर भी मिल गए हैं। मैं टूरिस्ट गाइड हूँ एक्चुअली। अच्छा, आपके महाराष्ट्र के साथ में मेरे क्लाइंट भी हैं। नमस्ते। ये देखो महाराष्ट्र के भी लोग हैं। कैसे आप? अच्छे हो। हाँ, कुटे कुटे जाओ नाले। उदयपुर लाल वादी, उदयपुर पहले। हाँ, गढ़ीसर लेक पर सुबह सुबह व्यू तो हो गया, लेकिन एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी हो जाए। यहाँ पर कैफे कॉफ़ी डे है, सिंगल शॉट। यहाँ पर आप रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर राजस्थानी छोरी के जैसे और राजस्थानी मुखड़ छोरों के जैसे पोज दे सकते हैं। इवन मॉर्निंग और इवनिंग में मजे करने के लिए। अगर आपको जैसलमेर घूमना है तो भी आपको टुक टुक की सवारी दी बेस्ट होगी, या तो आप बाइक हायर कर लीजिए। 300 रुपीज़ पर 24 आवर्स लेते हैं, और बाकी आप टुक
टुक में सवारी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस नॉर्मली 50 रुपीज़ होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप फोर्ट में जाना चाहते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो वो लोग बैरिकेड लगा देते हैं, लेकिन हाँ टुक टुक भी फोर्ट में जाते हैं और इवन बाइक्स भी जाती हैं। तो अभी हम हैं हनुमान चौक पर, और पीछे जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वही बोर्ड हमें बढ़िया बढ़िया स्वीट खिलाएगा। तो धनराज रणमल भाटिया, यस, यहाँ पे कहते हैं कि बेहतरीन मिठाइयाँ मिलती है। देखते हैं अंदर। राज रणमल स्वीट की दुकान 3 है, लेकिन आपके लिए जो कन्वीनियंट होगा वो है हनुमान चौक पर। ये मैं खा रही हूँ घोटवा लड्डू, जिसके लिए मशहूर है। घोटवा लड्डू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे घोट घोट कर बनाया जाता है। तो इसमें बेसन है, इसमें केसर है, इलायची है और घुटा हुआ है, और पता है ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। और मुँह में जाते ही पिघल जाता है। देसी घी में बने हुए लड्डू होते हैं। हम लोग जालौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बहुत ही शानदार लड्डू है, बहुत ही फेमस है यहाँ का। मावा की चोरी अती थी, उसे तोड़ के चासनी में भरा हुआ है ये, और ये सारा जो अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये सब मावा है। आ हा हा हा, खाए जाओ खाए जाओ वैशाली। माओ फीलिंग, मावा एकदम ताज़ा और खस्ता कचौरी के अंदर है। दिस इज़ ऑन अ स्वीट साइड, और जो चौसनी है ना फ्लेवर दे रही है। इनकी रसमलाई, घेवर और रबड़ी भी बहुत फेमस है। काफ़ी स्पॉन्जी है, और जो रस जिसे मलाई के साथ घोटा गया है, केसर का, बादाम, इलायची वाला, वैसे तो रसमलाई बहुत जगहों पर मिलती है, इनकी आप रसमलाई भी टेस्ट कर सकते हैं। सच में मैं बताती हूँ आपको कि वॉकिंग टूर लेना आपको इतना मज़ा आएगा। जैसलमेर बहुत, मतलब सिटी बहुत ही छोटा है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, ऑटोज, चाहे वो बीकानेर में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, या वो जैसलमेर में हो, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ से जो गुम्बद दिखाई दे रहा है ऊपर, वही है यहाँ के अभी के राजा का महल। तो आप अगर चाहें तो उस तरफ से भी जा सकते हैं, एक वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हेरिटेज वॉक उस तरफ भी जाता है, और आप राजा का महल देख सकते हैं जिसमें आज भी राजा रहते हैं। तो अभी हम हैं जैसलमेर फोर्ट के बाहर गोपा चौक पर, और क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर दाल पकवान बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर दाल पकवान किसी फेमस व्यक्ति के हाथों के अगर खाएंगे तो कैसा होगा? तो कहते हैं कि सोनम कपूर की शादी में भी ये जनाब जो है गए थे दाल पकवान अपने फ्लेवर देने दाल पकवान के। तो चलते हैं, सुबह का नाश्ता इन्हीं के साथ खाते हैं। तो देखिए मेरे सामने है हिंगलाज दाल पकवान, और वहीं पे जाकर हम अपना सुबह का नाश्ता फरमाते हैं। दाल जो होती है वो मूंग की दाल होती है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है, क्योंकि अक्सर हम भी तो घर में अगर दाल गर्म करते रहेंगे तो वो जल जाएगी, तो इसके कारण ये लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में गर्म पानी रखते हैं और उसे गर्म होने देते हैं, और उसके ऊपर टोप रख देते हैं जिसमें दाल है, और गर्म गर्म दाल जो है पकवान पर गिरती है, और उसके बाद उस पर जो चटकारा होता है, प्याज, उसकी चटनियाँ अलग अलग। चलते पूछते हैं इनसे क्या। थैंक यू। तो वैसे ये दौलत जी का दाल पकवान है, लेकिन हिंगलाज उनकी देवी है जिनको ये लोग मानते हैं। नहीं, सच में यमी है। इट जस्ट, इट फ्लेवर्स लाइक चाट, राजस्थानी फ्लेवर इन जैसलमेर। वाह, इस गोल्डन सिटी का मज़ा, गोल्डन पापड़, और उसके बाद कलरफुल, उसके ऊपर इतने फ्लेवर्स। नंदलेस, अगर आपको थोड़ा सा नशे में होना है इस गोल्डन फोर्ट के साथ,
तो आप ले सकते हैं यहाँ पर भांग, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, बस गेट के पास ही है। चूंकि ये गोल्डन फोर्ट हमने फतेह कर लिया है, तो क्यों ना हम फतेह की कचौड़ी खा लें। भांग शॉप के बिल्कुल ही बगल में है, कहते हैं कि इनकी कचौड़ियाँ बहुत ही मशहूर है, तो खा के देखते हैं असल में इसमें टेस्ट है या नहीं है। ये भी गोपा चौक पर है, हिंगलाज के सामने भांग शॉप, भांग शॉप के बगल में फतेह की कचौड़ी। इसका मसाला है जो ग्रेवी है, हाँ, उसी का ही है। तो मेरे ऊपर भीड़ इतनी हो गई है कि मेरी लाइन कब आएगी पता नहीं है। इसी से पता चलता है कि इनकी कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी हैं। इनके बारे में ये भी फेमस है कि यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं ना, यहाँ पे लोकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से खुद कचौड़ियाँ लेते हैं, डालते हैं उसमें, खा लेते हैं, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक अलग टाइप का मेक है, जैसे पानी पूरी होती ना उसी तरीके से इसमें होल करके उसके बाद इसमें, वैसे मूंग की ये कचौड़ी है और उसमें अलग अलग तरीके के मसाले हैं, प्याज, लहसुन की चटनी, हरी चटनी, धनिए की और मीठी चटनी। एकदम खस्ता है। वाव, धीमी आंच पे कचौड़ियाँ बन रही थी मैंने देखा, एकदम धीमी आंच पे, ताकि जल ना जाए और पूरी तरीके से खस्ता हो। आहा, जब उंगलियाँ चाटो तो चटकारों से पता चल जाता है कि हाउ टेस्टी द स्टफ इज। ये हमारी शॉप की थार लेकर आते हैं। अच्छा, तो लेकिन आप लोग कचौड़ी यहाँ से ही खाते हो? बिल्कुल, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनती है। वैसे हमारे बीकानेर से रेनाड़ा बीकानेर में कई तरह की वैरायटी है। हाँ हाँ, खाने पीने में इस चीज़ की बहुत वैरायटी है जी। बिल्कुल, मैं भी आई हूँ बीकानेर से। तो हिंगलाज जी की के दाल पकवान 35 रुपये के और कचौड़ियाँ फतेह की 15 रुपये की। नाश्ता सस्ते में, मज़े में। बस ठीक हूँ। तो बाहर चौक में तो हमने नाश्ता कर लिया, अब हम जा रहे हैं उस लिविंग एकमात्र फोर्ट के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा फोर्ट है जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं और जहाँ पर करीब 400 परिवार और 4000 की कैपेसिटी का ये फोर्ट है। चलते हैं इस फोर्ट में, इसकी ऐतिहासिक कहानी है, सुनाती हूँ थोड़ी देर में। वैसे तो 4 गेट है, चारों के नाम बताती हूँ, लेकिन पहला गेट है अखे पोल और ये 1722 में बना था। चलते हैं अंदर की ओर। तो आ गए हैं हम सुनार किला पर, जिसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। इसे रेत और पीले पत्थर से बनाया हुआ है और महारावल जैसल ने इसे 1156 में बनाया था। इस किले की खासियत ये है कि ये आज भी लिविंग फोर्ट है और यहाँ पर लोग रहते हैं, सारे हिंदू और राजपूत की यहाँ बसावट है। और ये किला जो है यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी लिया हुआ है। तो चलते हैं इस किले को और थोड़ा जानते हैं। बस अब एंटर कर रहे हैं हम दूसरे गेट पर, उसे कहते हैं सूरज प्रोल। और इसे सूरज प्रोल क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि यहाँ पर सूरज के, आपको देखिए, सारे चिन्ह नज़र आएंगे, पर मेन बात यह है कि इस किले पर पहले सूरज की किरण पड़ती है, वो यहीं पड़ती है। वैसे सूरज की किरणें इस पर पहली पड़ती है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, वरना तो गर्मी बहुत हो जाती है। और रास्ते में चलते हुए संगीत का आनंद भी लेते जाइए। अब आ गए हम गणेश पोल पर। लकड़े और लोहे दोनों का बनाया हुआ ये दरवाज़ा है, लेकिन दिख रहा बहुत मजबूत है, अभी वहाँ से कर्व हो चुका है। पता है आपको, यहाँ का जो होल्स है ना, जो आपको दिखाई देंगे,
फिलहाल तो कबूतरों का घर है वो, लेकिन जब किला वॉकिंग में था और जब महाराजा रहते थे यहाँ पर, तो दुश्मनों पर गरम तेल डालने के काम आता था। आ हा हा, यहाँ से हवा ज्यादा आ रही है, कहीं ये हवा पोल तो नहीं है? हमारे साथ महेश जी हैं और कहते हैं कि हमारे मशहूर देवानंद जी जो हैं, वो जब आए थे ना यहाँ पर, तो उनके यही गाइड थे। चलते हैं उन्हीं के साथ। ये कुआं दिखाई दे रहा है, महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण और अर्जुन यहाँ से गुजर रहे थे, त्रिकुट पहाड़ है ये, और वहाँ से गुजर रहे थे तो अर्जुन को लग गई प्यास, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी सुदर्शन चक्र को घुमाया और कुआं खोद दिया, और अर्जुन को यहाँ से अपनी प्यास बुझाने का मौका मिल गया। लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा कि सुन अर्जुन, ये वही त्रिकुट पहाड़ है जहाँ पर मेरे वंशज रहा करेंगे और राज करेंगे। तो 118वें जो वंश के पुत्र थे वो थे महारावल जैसल, और बस उन्होंने ही यहाँ पे राज करना शुरू किया और उस उपरांत सारी पीढ़ियाँ यहीं पर। और यहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर भी है, आइए दर्शन करते हैं। इसके दरवाजे आप देख रहे हैं, पूरी सिल्वर के परत लगाई हुई है। जो ऊपर लकड़ियाँ दिख रही हैं ना, इसी के ऊपर पूरा महल है और 850 साल पुरानी है। वैसे मज़ा तो है फोर्ट के अंदर रहने का। हम जैसे ही हवा प्रोल से अंदर घुसते हैं तो राजा और रानी का महल आएगा पहले, लेकिन हम पहले महल में नहीं जाएंगे, आगे की ओर जा रहे हैं हम। चूँकि ये लिविंग फोर्ट है तो यहाँ पर पूरी वसाहत जो दिख रही है ना, वो लाइव में है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ से पूरे गोल्डन सिटी का व्यू मिलने वाला है, और कैनन पॉइंट से आपको पूरे गोल्डन सिटी का नज़ारा दिखाई देगा। जो वहाँ पर टांकी दिख रही है ना पानी की, बस उसके पीछे है स्टेशन, और उस उपरांत आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं घर, उस तरफ वो है पटवाओं के हवेलियां बोलते हैं उसे। वर्ल्ड फेमस है वो पटवाओं। जी, वर्ल्ड फेमस पटवाओं की हवेलियां। और उस उपरांत अगर आप दूर देख रहे हैं पवन चक्कियां हैं, पर पवन चक्की के पहले कुछ छतरियां दिखाई दे रही हैं, और वो छत्रियां हैं समाधि स्थल। प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म सुनार किला पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित स्वर्ण नगरी जैसलमेर के किले को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसकी अनूठी वास्तुकला और संस्कृति युगों से ही पर्यटकों को लुभाती रही है। यहाँ का यह सुनार किला राजस्थान के श्रेष्ठ दुर्गों में गिना जाता है। इसका निर्माण 1156 में हुआ था। 250 फीट ऊंची और सैंडस्टोन से बनी 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस किले में 99 प्राचीर हैं, जिसमें तोपें होती थी और दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। जैसलमेर फोर्ट में 4 द्वार और कई छोटी गलियां हैं। यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। काफी सारे आपको एंटीक्स भी मिलेंगे जो आपके घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। ये जो पीले पत्थर के बाउल्स है, ये पर्टिकुलर काम आते हैं दही जमाने के लिए। अच्छा। नॉर्मली क्या है कि हम घर के अंदर दही जमाते हैं तो उसके ऊपर पानी का लेयर आ जाता है, लेकिन इसमें दही जमाएंगे तो पानी का लेयर नहीं आएगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और गाढ़ा दही जमाने में काम आता है। उसको बोलते हैं सी सैंडस्टोन। ये क्या है कि जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर गांव है, उस गांव का नाम है हाबूर, वहां से ये पत्थर निकलता है, इसलिए इसको हाबूर स्टोन भी कहते हैं। इसको मरियम स्टोन भी बोलते हैं। गूगल पे आप HABUR हाबूर स्टोन जैसलमेर करके डालो तो इसका पूरा डिटेल्स, वीडियोस, फोटोज, ऑनलाइन प्राइस, क्या कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स है, ये सारा चीज आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं राजा रानी के महल में, और गेट ऐसे होता है कि राजा के महल से एंटर होगे और रानी के महल से आप निकल जाओगे। यहाँ पे 200 रुपए की टिकट है पर हेड,
और ये खुला रहता है समर में 7:30 बजे से शाम के 6 बजे तक और विंटर में 8:30 बजे से 6 PM। लेकिन बेसिकली यहाँ पे सारे जो भी मॉन्यूमेंट्स है समझ लीजिए कि 9:30 के आसपास खुलते हैं। अलग अलग कारीगरों के समावेश है, भारतीय कलाकृति है इसमें, इवन मुगलों की कलाकृति है और यहाँ पर इवन आपको वेस्टर्न कलाकृति भी दिखाई देगी क्योंकि ब्रिटिश का भी शासन रहा है तो उस दौरान उनका भी समावेश यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो बेहतरीन बात यहाँ पर है कि इस कलाकृति में जो उकेरा गया हुआ जितना कार्विंग है ना वो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतनी बारीकी है कि क्या बताएं। जहाँ महाराजाओं की बात आए तो वहाँ पे तलवार चलनी ही चाहिए। तो चलते हैं आर्मरी के सेक्शन में और यहाँ पर आपको अलग अलग जो भी वेपन्स यूज़ किए जाते थे वो सारे वेपन्स मिलेंगे, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो खंजर हो, चाहे वो कुकरी हो, चाहे वो बंदूक हो। ये रेगिस्तानी बंदूक है, ऊँटों पर रख कर चलाई जाती थी। लेकिन ये बंदूक की खासियत ये है कि एक आदमी नहीं चला सकता इसको, इसको दो आदमियों की जरूरत होती है। रियासतकालीन तलवारें हैं, इन्हीं तलवारों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के सैनिकों से युद्ध किया गया था। ये तोप से तो पता चल जाता है कि ये वेस्टर्नाइज्ड है और बंदूकें देखिए कितनी विशाल हैं। मतलब तभी कोड़े जो मारे जाते थे ना, जो भी अपराधी होते हैं उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं रिंग नुमा, बेसिकली इसमें बारूद को रखा जाता था और ताकि वो पूरी तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में रहे, ख़राब ना हो जाए। जा रहे हैं दीवान खाने में। राजा को गद्दी दी जाती थी तो यहीं पर बैठते थे और अभी उसके ऊपर जो तलवार दिखाई दे रही है उसका मतलब यह है, इट सिंबलाइजेस कि अभी भी राजा जिंदा है। और जो ऊपर छत्र है ना वो भगवान कृष्ण जी रखा करते थे और उसे कहते हैं मेकाम्ब्र और ये अष्ट धातु का बना हुआ है। यहाँ पे घूमना बहुत आसान है, वैसे तो लोग होते हैं अंदर जो आपको बता देते हैं और उसके अलावा आप अकेले भी आते हैं तो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सुपर्ब सा वो है रणभेरी। रणभेरी का मतलब होता है रण की सूचना देना, कोई भी अगर युद्ध होने वाला होता है तब यहीं से घोषणा होती है और ये छोटा सा होल इमरजेंसी के लिए होता है जनता को इन्फॉर्म करने के लिए। एंटर कर रहे हैं हम त्रिपोलिया में। जैसलमेर के राजा महारावल जैसल, उन्हीं के नाम से जैसलमेर गिरा। और ये सारे पोर्ट्रेट्स हैं, रियल पिक्चर नहीं है लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि उस ज़माने में जिन्होंने भी पोर्ट्रेट निकाले हों तो ऐसे ही दिखा करते होंगे और सारे जनरेशन की यहाँ पे पोर्ट्रेट दिखाई देंगी जिनमें से एक बहुत ही रोचक है। ये एक हिस्सा, एक ये दूसरा और ये तीसरा, इसीलिए इसको त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। तीन कोनों का पर्वत त्रिकुट पर्वत। महारावल शालिवान सिंह ये बड़े ही रोचक महाराजा थे। यहाँ पे महल बेसिकली जिसकी हाइट आपने देखी बहुत कम थी, इनकी हाइट थी 7.5 फीट की, काफ़ी लंबे चौड़े थे, कहते हैं 250 किलो के थे। तो उन्होंने अपने लिए एक दूसरा स्थान बनाया, दूसरा महल, और उस उपरांत सारे जितने भी महाराज रहे वो वहीं पे रहा करते थे। उन्हीं का ये पोशाक है जो 7.5 फीट के थे और 250 किलो के थे, लंबे चौड़े, उनकी पोशाक देख के ही पता चल जाता है। और ये उनके सोने की जगह है, ये उनका महल है। पांव को रखना होता था नीचे अलर्ट कि कभी भी दुश्मन आ जाए तो वो खड़े हो जाए तुरंत, इसलिए उनके पांव ऑलवेज अलर्ट रहते थे इसके नीचे। ये देखिए उत्कृष्ट कलाकारी है, ये वो सारे कारीगरों ने बनाई थी जो आगरा और दिल्ली से प्रताड़ित हो चुके थे और वहाँ से वो निकल गए थे और उसके बाद कुछ कारीगर इधर भी आए थे और फिर उन्होंने ये कलाकृति बनाई थी। सुपर्ब। यहाँ पर होली खेली जाती थी और रानियाँ यहाँ पर होली खेलती थी और ऊपर से राजा जो है वो झांकते थे। यहाँ पे कलरफुल शीशों के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ना, वो खुल जाते थे तीनों और उसके बाहर जो प्रांगण है वहाँ पर जनता आती थी सीढ़ियों के द्वारा और फिर अपना न्याय मांगने आती थी और यहाँ पे राजा विराजते थे और न्याय देते थे। वहाँ दूर जो पानी दिखाई दे रहा है ना वही लेक है गढ़ीसर,
जहाँ शाम को सनसेट व्यू बहुत खूबसूरत होता है और आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। वहाँ पे दूर एक हवेली दिख रही है लेकिन वो टूटी हुई है, बहुत ही नीचे लेवल पे है, लेकिन कभी ये दुर्ग के लेवल पर थी और वो थी सालिम सिंह की। और बेसिकली कहते हैं कि राजा के वो सेनापति थे लेकिन वो बहुत ही दुष्ट आदमी था, बहुत ही अत्याचार करता था प्रजा पर। आर्मी के जवानों के साथ जय हिंद का नारा लग जाए तो सब एक साथ बोलते हैं भारत माता की जय हिंद। ना ये है सूर्य घड़ी और यहाँ पर छत पर आकर के नगाड़े बजाए जाते थे और जितने नगाड़ों के बीट्स होते थे ढम एक मतलब एक बजाए, दो तो दो बार बजेंगे, ढम 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 तीन तो तीन बजे हैं। चलते हैं रानी के महल में। तो घर की खुशहाली के लिए कुंवारी लड़कियां अच्छे वर अच्छे घर के लिए गंगोर माता का मेला मनाती है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर गंगोर फेस्टिवल होता है, बहुत ही जोरों शोरों में होता है। और जो छत्र हमने देखा ना उसे उठाकर यहाँ के सैनिक ही बोलो या यहाँ के लोग, वो चलते हैं पूरे के पूरे आस्था के साथ। और यहाँ पे दशहरा भी बहुत ही जोरों शोरों में मनाया जाता है। जो अब हम रानियों के महल में हैं तो जाहिर बात है बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी अलग अलग महाराजाओं की, तो रानियों के अलग अलग रूम होते थे और सारी रानियाँ मिल करके रहती थी और यहाँ पर चौपाल खेलती थी। और एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पर आपको बहुत सारे फोटोग्राफ दिखाई देंगे, कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिखाई देंगे जो कुछ फेस्टिवल्स में खींचे गए हैं। हम जैसे ही नीचे आते हैं सोवेनियर शॉप तो है लेकिन यहाँ पर बहुत ही उम्दा कलाकारी करने वाले नेशनल अवार्ड विनर का एक शॉप है। इनके पापा जी हैं हरिराम जी, उनको आर वेंकट रामन ने भी अवार्ड से सम्मानित किया था। और किस लिए पता है, इन्होंने उनके पिताजी ने एक बाल पर अपने खून से कारीगरी करके उन्हें पेश की थी। और इनके भाई हैं उन्हें भी प्रणब मुखर्जी जी ने, हमारे एक्स प्रेसिडेंट लेट एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी अवार्ड से नवाजा था। ये संसद भवन है दिल्ली का, इंडिया गेट है बॉम्बे का, ये महाराजा का पैलेस यहाँ का, ऊँट सफारी जा रहे दो जने, हनुमान जी पहाड़ लेके उड़ रहे, महावीर भगवान है, ओम है गणेश। तो मतलब मुझे अगर वैसी अगर बनवानी हो तो 13,000 रुपये लगेंगे। वाओ, खूबसूरत सोवेनियर्स इतने सारे दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑल दो आई वॉन्ट से कि ये सिर्फ यहाँ पर मिलते हैं, मैंने इवन हिमाचल साइड में भी देखे हैं। अभी हम हैं जैन मंदिर के प्रांगण में। वैसे तो ये पूरा का पूरा किला समझ लीजिए कि 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है और पूरा सर्कल मारो तो 3 किलोमीटर होता है। वैसे तो मंदिर में जाने के लिए कोई टिकट नहीं है लेकिन अगर आप कैमरा मोबाइल कोई भी चीज़ ले जा रहे हैं तो प्रति किट मतलब अगर आपका एक कैमरा है या मोबाइल है तो उसके 50 रुपीज़ लगेंगे। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं लेकिन आप लेके जा सकते हैं 50 रुपये भरने, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 250 रुपीज़ टिकट है। जिसमें से हम अभी जा रहे हैं पार्श्वनाथ जी के मंदिर में। वाओ, इस मंदिर की अद्भुत कहानी है। कहते हैं कि जब यहाँ पर राजाओं के पास जैन मोस्टली होते थे मर्चेंट्स और ट्रेड उन्हीं के द्वारा होता था क्योंकि ये सिल्क रूट भी कहलाता था, और यहाँ उनका कोई ऐसा स्थान नहीं था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी राजाओं से कि हमारा भी कुछ स्थान होना चाहिए इस फोर्ट में। तो राजा ने कहा कि ठीक है आप मंदिर बना सकते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको इसमें हिंदू गॉड और गॉडेस के भी आपको मूर्तियाँ रखनी पड़ेंगी, तो इसलिए यहाँ के पिलर्स में आपको दिखाई देंगे और यहाँ की छत में भी दिखाई देंगे कि सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। एंट्रेंस गेट की खूबसूरती देखिए, खूबसूरत छत है ये और इतना बारीक काम किया हुआ है। जैसलमेर फोर्ट के अंदर 7 जैन टेंपल है
और एक लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है, और इनमें से सबसे बड़ा है पार्श्वनाथ जी का मंदिर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। जैन मंदिर में आने का टाइम है सुबह 7 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 1 घंटे के लिए 7 बजे से 8 बजे तक खुलता है आरती के समय। हम अभी पार्श्वनाथ जी के मंदिर में गए थे तो वो 3 मंदिर का समूह है, उसी के सामने 2 मंदिर का एक समूह है, और उस उपरांत 6ठा और 7वां मेन जहाँ से हम एंट्रेंस करते ना वहीं पर है। ये ऊपर है रंग मंडप जी, इसमें 12 गणेश बताए गए हैं और 12 श्रीपार्वती हैं। ये 550 साल पुराने मंदिर हैं और इसकी बनावट में आपको चूना या सीमेंट नहीं मिलेंगे, ये सैंडस्टोन के पत्थर हैं, और इन पत्थरों को लॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है और फिर ये पूरा का पूरा मंदिर खड़ा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, इसके नीचे अलग अलग सिंबल होते हैं ना, उसको अलग अलग सिंबल से पहचान पाते हैं कौन से तीर्थंकर। और यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर 7 मंदिर हैं, 7ों मंदिरों के अंदर 6,666 मूर्ति है। ओहो, उसको अपन काउंट करते हैं तो 24 आता है, 6, 6, 12, 3, 18, 24 तीर्थंकर बोलते हैं। यहाँ पे मूर्ति दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन है, उसी के लाइन में हम आते हैं इस तरफ तो यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, बस उसके ऊपर आप देखिए एकदम चावल के दाने की तरह जो है वहाँ पर मूर्ति उकारी गई है। वीर जी की चाय राजा रानी के महल के सामने पीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। हमने भी और एक लेने का प्लान किया है, बहुत ही इनोसेंट अंदाज में घुमाया, और हाँ एक बार और कह दूं कि देवानंद जी को 1999 में इन्होंने ही घुमाया था। ये कभी नहीं देखा होगा आपने कि ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ हो रहा है, ये गुड़िया जो है मुझे गिफ्ट कर रही है पायल। So sweet of you. मैं आके लूंगी, जरूर लूंगी। Look at here. ये स्टैचू है या असली है? मुझे तो थैंक यू। डॉक्टर कैफे है वहीं पर आपको मिल जाएगा, आद्विक राइट, आद्विक कैमल मिल्क चॉकलेट, फिर ओरिजिनल सोप कैमल मिल्क का, और इसके अलावा क्या क्या और बनाते हैं? कैमल मिल्क का घी रहेगा। कैमल मिल्क का घी, वाह। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी है, इट वॉज अ कोइंसिडेंस। और आपका नाम, वैसे तो मैं मिस्टर जैसलमेर के नाम से जानती हूँ, लेकिन वैसे क्या नाम है? चंद्र प्रकाश व्यास जी की ही शॉप है ये, और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। आई एम हैविंग कॉफी चॉकलेट, कॉफी कैमल मिल्क चॉकलेट, वाह। लस्सी मिलेगी जो आपको टेस्ट करेंगे अभी, मक्खन या लस्सी। अच्छा, तो हमारी तरफ से आपको मिलेगा कि अपन पुराने मित्र हैं, एंड मक्खन या लस्सी जो है केवल आपको जैसलमेर में यही मिलेगी जो हमारे पास है वो। अच्छा, इसमें कार्डमोन, सैफ्रॉन, ड्राई फ्रूट, गुलकंद, ये सब टॉपिंग रहेगा, एंड केवल गाय के दूध का है। तो मतलब ऑल इन वन पैकेट है यहाँ पर, चाहे आपको मक्खन या लस्सी पीनी हो, चाहे कॉफी या फिर कैमल मिल्क, और उसके अलावा आपको अगर नशे में होना है तो भांग भी मिल जाएगी। जय जय शिव शंकर। माइंड यू, विदाउट भांग की लस्सी है, वरना भांग की भी लस्सी मिलती है फ्लेवर्ड। आपने मेरा जोधपुर के व्लॉग में भी लस्सी देखी थी माखनिया, ये थोड़ी हटके दिख रही है, इसमें ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट है, पहले मैं वही खा लेती हूँ। गोपा चौक पर बस थोड़ी ही कदम दूर आपको मिल जाएगी ठग्गू जी की दुकान, यहाँ पर घोटवा लड्डू मिलते हैं, आइए चखते हैं। पहले बूंदी बनाई जाती है और उसके बाद उसे कूटा जाता है, और उस वजह से उसे घोटवा लड्डू कहा जाता है। हेलो टेस्टी, आई लव बूंदी। एक किलो के 340 रुपए, और प्योर घी में बनते हैं। यही है सालिम सिंह की हवेली, जो पहले इसने गुरूर में इसको गढ़ के ही साइज का बनाया था, लेकिन
बीइंग अ सेनापति ये बहुत ही जालिम आदमी था, और 2004 और 5 के बीच में इस पूरे जोन को, मतलब जिसमें सालम सिंह की हवेली भी आती है, उसे भी मतलब हेरिटेज वॉक में गिना गया है। हम सालम की हवेली में जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं कुछ रेजिडेंशियल लगा हमें, कुछ लोग रह रहे हैं अंदर, और जैसे ही हमने एंटर किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी बंद है, उसके बाद कहा लाइट नहीं है, उसके बाद कहा कि जाने के 100 रुपये लगेंगे, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। और वहाँ पे कोई टिकट काउंटर या ऐसा कुछ नहीं है, तो हम दे भी देते, तो सिंस हमें बड़ा ऑड लगा, इसलिए हमने फिर सोचा कि उसे स्किप कर देते। जहाँ जहाँ से भी गुजर रहे हैं, लग रहा है सोने की गलियों में हम गुजर रहे हैं, है ना। और तू भी सोने जैसी है। वो है गोखड़ा, और गोखड़े में खड़े हो सकते हैं मेल और देख सकते हैं, लेकिन औरतों को बाहर वाले नहीं देख सकते, लेकिन औरतें बाहर वालों को देख सकती हैं। ये झरोखे जो है वो वन वे स्ट्रीट है। ये देखिए छोटे छोटे से झरोखे हैं, मतलब खिड़कियां इतनी खूबसूरत है। एक बात मुझे अच्छी लगी है यहाँ पर कि पुरानी तो इमारतें हैं, लेकिन जो नई इमारतें हैं उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो वो भी कार्विंग वाला ही, वो लोग वही स्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं। तो जो खासियत है इस पूरी नगरी की, वो खासियत बरकरार रहेगी सालों साल। तो हम आ पहुँचे हैं पटवाओं की हवेली में। कहते हैं कि ये मर्चेंटों की बनाई हुई हवेलियाँ हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। आज भी इसमें जो छतें हैं वो है सोने की परत लगाई हुई, और बेल्जियम शीशे हैं दीवारों पर, मतलब खिड़कियों पर, और बहुत ही बारीक कारीगरी यहाँ की गई है, महल से कुछ कम नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं, 150 रुपये हैं भारतीयों के लिए, फॉरेनर के लिए 250 रुपीज़, और 5 से 15 साल के बच्चों के लिए है 70 रुपीज़। और इसके अलावा यहाँ पे 5 भाइयों की अलग अलग हवेलियाँ हैं, और इस कारण से इसके पहले एक हवेली थी वहाँ पे 50 रुपये लेते हैं, ये बीच वाली है थोड़ी सी बड़ी है, और यहाँ पे 150 रुपीज़ है विद कैमरा। यहाँ से लेकर पीड़ा बोर्ड 5 हवेली के ग्रुप को कहते हैं पटवा की हवेली। ये बनाने वाले जैन थे, उन्होंने बहुत अपने बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनाई। गुमान मल बापना 18th century में काम शुरू हुआ था, 1860 में काम, दादे का सपना पोते ने पूरा किया। एक हवेली बनाने में 12 साल लगे और 5 हवेली बनाने में 60 साल लगे, क्योंकि इसमें सीमेंट चूना पानी कुछ भी नहीं है सिस्टर। ये 2 मंजिल बेसमेंट है, 4 फ्लोर ऊपर। ये पूरे उस समय के अडानी परिवार थे, यह 52 रजवाड़ों को फाइनेंस देते थे। यहाँ से पहले सिल्क रूट जाया करता था, यहाँ से व्यापार होता था सिंध, अफगानिस्तान, काबुल, कंदार, लास, चाइना तक। वहाँ से सोना, चांदी, अफीम, गांजा, चरस, हाथी दांत लेके आते थे। जो भी माल लेके आते थे उनका 10% कर राजा को देते थे। मारवाड़ी कहावत है, मैं फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, ये कोड़ी है। ये कोड़ी, दमड़ी, थैला, पाइप, पेशाना, रुपये का पूरा इतिहास है। ये है लॉक कनेक्शन। ओह यस बिग लॉक, बड़ा लॉक मेन गेट के ऊपर, छोटा लॉक अलग अलग रूमों में। ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट हस्बैंड वाइफ लॉक का नाम है। एक साथ हस्बैंड के पास, दूसरा वाइफ के पास। ऑलराइट, अगर लड़ाई होती थी तो पैसा नहीं निकलता था, एक तरह का जॉइंट अकाउंट होता था। ये रास्ता नहीं, हर दिमाग उसका तेज होता था, हर आपके जैसलमेर की भारत के हर कोने में मिलेगा, क्योंकि उनका दिमाग बहुत है, इसलिए जॉइंट कर। ये 16 किलो का वजन, कच्चे धागे में ये काम लिया हुआ है। अच्छा। ये आप जब डेजर्ट कैमल सेंडो, ऊंट का पलाव, ये राशि वाइज लोग ऊपर देखो, लकड़ी का छत है, अभी डैमेज हो गया, अभी 10 साल पहले इसको अखरोट की लकड़ी से रेनोवेशन किया गया है। अच्छा। ये चांदी का पलंग, चांदी असली वो होती है जो मैडम काली पड़ती है, काली नहीं होती है, जर्मन सिल्वर के लिए नकली होती है। अक्सर आप देखे होंगे कि हवेलियों में दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पे भी दरवाज़ा छोटा है। पहले के ज़माने में हाइट वाइट कदकाठी बहुत ऊंची थी, तो छोटे होने का अर्थ ये भी है कि एक रिस्पेक्ट होती है, आदर होता है। आप झुक करके नीचे जाते हैं, एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए गणेश जी है, तो गणेश जी के आगे माथा झुका के फिर आप रूम के अंदर एंट्री करते हैं। वाह, यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखेंगे ना, तो जो भी नीचे रखी हुई सामग्री है वो श्रृंगार की है,
और जितना भी छत पर आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर्स वो है औरतों के श्रृंगार के डिफरेंट डिफरेंट रूप। ओके, यहाँ पे सारा यूटेंसिल रखा हुआ है जो उस जमाने में यूज किया जाता था, भैया केरोसिन स्टोव, ये है जूसर, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, यस, और ये लगता है कि ऊपर कुछ रोटी और उससे सेकने के लिए, बेक करने के लिए, और ये सारी कढ़ाइयाँ हैं, यूटेंसिल्स है, ये तराजू है और ढोल। इन सब का संगम आपको राजस्थान में दिखाई देगा और हर जगह जहाँ पर भी आप घूमने जाएंगे तो म्यूज़िक बजता ही रहेगा, केसरिया पधारो मारे देश। तो ये भी वीआईपी रूम है, यहाँ पर बैठ के मीटिंग होती थी, मीटिंग हॉल, ओके, सोने की छत है, छत थी, हाँ, क्योंकि वो बाबा नजारा को फाइनेंस देते, इतने रिस्क थे उस समय के अंडर ही परिवार थे, वेरी लकी मैन। ये बड़ी सोरी शरबत के लिए, छोटी वाली अफीम की, अच्छा, ये चांदी के सोफे, ये ग्रामोफोन, ये केरोसिन से चलने वाला फ्रीज, सितार, हारमोनियम, ये है रूम मीटर केरोसिन से चलने वाला। जूनागढ़ फोर्ट में देखा था ना बादल महल, जहाँ पर सिर्फ ठंडक ही ठंडक महसूस होती है, वही कारीगर लगता है यहाँ पर आए थे। पांच बेटे हैं, वो सालम सिंह की हवेली, नथमर सिंह की हवेली, ये पूरा डेजर्ट था, जो भी आ रहे हैं सेठ लोग उसको नजराना पेश करते थे, सोना और चांदी उसको बैठ के। ये राजा लोग, ये देवासी जो ऊंट चराते थे, ये है भोपाल लोगों की पीला कलर, ये विष्णु कास्ट की, ये है सफेद वाला बॉम्बे कास्ट की, ये है ब्राह्मणों की, ये है छपीदार है राजपूतों की, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती थी और उसलिए दिनों दिनों तक लोग स्नान नहीं करते थे, तो ये इतर काम में आते थे कि उनमें से बैड ऑर्डर, बैड स्मेल ना आए। ऐसा नहीं है, मच्छर आज भी काटते हैं हमको और मच्छर तब भी काटते थे, तो ये है दवाइयों वाले परफ्यूम्स। वाओ, वैसे तो कई हवेलियाँ आपको दिखेंगी ये पूरे हेरिटेज वॉक में, हम अभी तक में दो हवेलियों से क्रॉस करते हुए आ रहे हैं और पांच का समूह देखते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे है नाथमल की हवेली, यहाँ की भी कलाकृतियाँ बस देखते ही बनती है। यूनेस्को सर्टिफाइड वर्ल्ड हेरिटेज टूर वॉक तो हो चुका हमारा, अब भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, तो हम आए हैं कैफ़े द काकू में। कहते हैं कि यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों वैरायटीज़ बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ से सिटी व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है, और डॉन के लिए लाल मांस भी जो यहाँ का फेमस है। एक्चुअली हम लोग कैफ़े द काकू में लाल मांस टेस्ट करने के लिए पहुँचे हैं और आई थिंक मैंने सुना है कि बहुत अच्छा लाल मांस है यहाँ का, बेटर देन अदर प्लेसेस। एक्चुअली इसके टुकड़े थोड़े छोटे छोटे हैं और ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिन है, और बाकी है तो ये बूट का ही मीट, लेकिन लाल मांस इसे इसलिए कहा जाता है, इसमें वो लोग लाल मिर्ची और धनिया और लहसुन का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं और इसलिए ये थोड़ा स्पाइसी होता है, बट आप जो है मीडियम या विदाउट स्पाइसी या मोर स्पाइसी जो एक्चुअली लाल मांस होता है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन इन जैसलमेर अगर आपको मौका मिले रेत में लाल मांस बना करके खाने का ना, तब मज़ा है। आप थोड़ा गांव में जाइए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए अगर एक्सप्लोरर है तो, और तब वहाँ पे जब लाल मांस बनता है तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने। मैं तो रोटी भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ मटन खाऊंगा, मुझे ना तो फेवरेट है मटन। और ये रहा वेरी बैड, पहला बाइट खा करके मुझे लगा कि मैं जो देहाती मटन खाता हूँ ना अपने बिहार में, यूपी में देहाती मटन बनता है, बस वैसा ही फ्लेवर मुझे आ रहा है। ये तो मेरा स्टफ है, awesome। मैंने ड्राई फ्रूट सलाद विथ आइसक्रीम मंगाया है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश, मैं खुद भी बहुत अच्छा बना दूँ।
थकान महसूस हो रही है और शाम ढल चुकी है। यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और हाँ, बजट और किस होटल में रुकी थी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए।